नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप। आप देख रहे हो सैंडी डूबा चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं इस बोट का पूरा टेस्टिंग दिखाऊंगा। और दोस्तों, ये बोट को मैंने खुद बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये बाउंसो का ओरिजिनल ट्रांजिस्टर है। बाउंसो है 1947 है। इसका जो कोड है वो 939 है। एकदम मैचिंग है दोस्तों, देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी सेम है 939 कोड। और यहाँ पर दोस्तों TDA 7294 है, जो कि ओरिजिनल आईसी है दोस्तों। दो आईसी भी ओरिजिनल है, ठीक है। तो ये जो बोर्ड है दोस्तों, खुद मैंने SML करके बनाया है। तो इसका जो परफॉर्मेंस है ये बढ़िया है दोस्तों। यहाँ पर 28.0 28 वोल्टेज देना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, मेरे पास 30 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है 10 एम्पियर का। तो ये जो डायोड है दोस्तों, ये 6 एम्पियर का डायोड है। तो यहाँ पर मैंने डायोड को पैरेलल करके सभी डायोड को लगाया है, ताकि इसका एम्पियर बढ़ जाए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 12 एम्पियर का टोटल कर दिया है, दो दो करके लगा के, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 30-0-30 भी, 35-0-35, 40-0-40 हाईएस्ट यहाँ पर दे सकते हैं 10 एम्पियर, ठीक है, 10 से 12 एम्पियर तक। और यहाँ पर दोस्तों 10,000 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगाना था, तो उतना बजट नहीं है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 6800 माइक्रोफेरेट का लगाया है। यहाँ पर देख सकते हैं 6850 वोल्ट। तो इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को 09 वोल्ट AC देना है, तो यहाँ पर से USB का जो आउटपुट है 5 वोल्ट वो मिल जाएगा। 7805 रेगुलेटर लगा हुआ है। और यहाँ पर से दोस्तों आप लोग यहाँ पर 12 वोल्ट 1 एम्पियर दोगे, तो यहाँ पर से 12 वोल्ट जो फैन चलता है उसका आउटपुट भी मिल जाएगा आप लोगों को। एक ही बोर्ड में सब कुछ दिया हुआ है। और यहाँ पर सब फ्यूज दिया हुआ है दोस्तों, ताकि शॉर्ट सर्किट होने पर फ्यूज उड़ जाए, बोर्ड का कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये बोर्ड देखने को मिल जाता है। और ये दोस्तों, ये एक चैनल 200 वाट का है और ये एक चैनल 200 वाट का है। टोटल ये 400 वाट का है, स्टीरियो है। तो 7294 जो IC है वो 100 वाट निकालेगा, और ये 5219-47 100 वाट। सेम उसी तरीके से इस साइड पर भी है। तो दोस्तों चलिए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए फटाफट से यहाँ पर इसका टेस्टिंग देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये अभी ऑन है। तो ये हमारा जो रेगुलेटेड पावर सप्लाई है वो है, वो इस बेस्टेबल बोर्ड को सप्लाई दे रहा है। बेस्टेबल बोर्ड का जो आउटपुट है वो हमारे इस मेन बोर्ड पे इनपुट हो रहा है दोस्तों, ये वायर के थ्रू। और यहाँ पर दोस्तों वॉल्यूम कंट्रोल है, और इसका जो इनपुट है वो मेरे फोन से कनेक्ट है, ठीक है। और इसका जो सप्लाई देना है दोस्तों, मैंने यहाँ पर दो दो डायोड आप लोगों ने देखा, तो उसको लगा के मैंने यहाँ पर सप्लाई दिया है 30-0-30 10 एम्पियर, ठीक है। तो ये दोस्तों अभी ऑन है, देख सकते हो यहाँ पर लाइट इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए अभी सॉन्ग को प्ले करते हैं। और ये पीछे की साइड पर दोस्तों दो फैन लगाया है, ताकि ये हीट ना हो, क्योंकि ये दोस्तों हीट होता है। तो चलिए अभी यहाँ पर सॉन्ग को मैं प्ले करता हूँ। पहले DJ सॉन्ग सुना रहा हूँ, उसके बाद NCS को सुनाएंगे। अगर DJ में कॉपीराइट आ जाए तो NCS चलेगा, ठीक है। तो चलिए प्ले करते हैं। प्ले कर दिया है मैंने, साउंड को बढ़ाते हैं। मेरे फोन से साउंड फुल है। ये ट्रेबल है, ये बास, दोनों चैनल ही चल रहा है, मैं दिखा रहा हूं। ये एक को मैंने खोल दिया है दोस्तों, इसका जो एक आउटपुट है, ठीक है, इसको मैंने खोल दिया है एक आउटपुट, और एक आउटपुट चल रहा है, और दूसरे को भी लगाता हूं। तो दोस्तों दूसरे को लगा दिया,
और इसको खोल दिया है, ये हमारा स्पीकर आउटपुट जो हो रहा है यहाँ पर से, ठीक है। तो दोनों को लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी यहाँ पर एनसीएस को प्ले करते हैं। एनसीएस को प्ले कर दिया है, साउंड को बढ़ाते हैं। ये बास है, तो फ्रेंड्स ये अभी नेक्स्ट डे शूट कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, इस बोर्ड के साथ यहाँ पर 2.1 का एक सर्किट बोर्ड जो है प्रीएम बोर्ड वो लगाया है, ठीक है। तो चलिए अभी इसका बेस का साउंड सुन लेते हैं। एक चैनल पर बेस बजेगा और दूसरे चैनल पर दोस्तों नॉर्मल साउंड बजेगा। तो चलिए यहाँ पर प्ले करते हैं। तो प्ले कर दिया है दोस्तों। बढ़िया सा बेस आ रहा है और ये हमारा मेन साउंड है यहाँ पर। यहाँ पर बेस को ऑफ करता हूं मैं। ये मैंने बेस को ऑफ कर दिया है दोस्तों। तो अभी ये नॉर्मल साउंड बज रहा है और ये इसका बेस है, नॉर्मल साउंड का बेस है और ये नॉर्मल का ट्रेबल है। ठीक है, बंद कर दिया है मैंने साउंड को और अभी बेस को चलाते हैं यहां पर से, साउंड को बढ़ाते हैं। एकदम तगड़ा बेस आ रहा है दोस्तों, तगड़ा। तो फ्रेंड्स मैंने यहां पर दूसरे बास्टरबेल बोर्ड लगाया है। तो चलिए सॉन्ग को प्ले करते हैं। बढ़िया सा बास निकल रहा है दोस्तों, परफॉर्मेंस काफी अच्छा है इसका। ये मीड है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इस बोर्ड को खरीदना चाहते हो तो इस बोर्ड का जो प्राइस रहेगा वो 1700 रुपए टोटल। ये हमारा हीट सिंक और ये ओरिजिनल सब ट्रांजिस्टर मिला के पूरा का पूरा 1700 रुपए। अगर कोई खरीदना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ डिलीवरी चार्ज जो है वो 150 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों और यहाँ पर मैंने कोई भी वोल्टेज इनपुट नहीं किया है क्योंकि फैन मैं अलग से चला रहा हूँ। आप लोग चाहे तो यहाँ पर से भी चला सकते हैं और यहाँ पर से यूएसबी आउटपुट भी ले सकते हैं 5 वोल्ट का, ठीक है।
तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में कुछ अच्छा चीज दिखाने की कोशिश में रहूंगा आप लोगों को। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिएगा, अच्छे रहिएगा और देखते रहिएगा मेरा ये चैनल सैंड यूट्यूबर दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा।